देववा वाड़ो नारो बनने रह गयो है। बता देवा कि सरदार शहर सु 25 किलोमीटर दूर खेजड़ा गांव रे दलित मोहल्ला माए एनी पोल खुल गई, जटे पांचवी कक्षा तायरो पूरो स्कूल सिर्फ दो कमरा में चाल रियो है। और हैरानी री बात आ है कि दो कमरा माए संचालित इन राजकीय प्राथमिक विद्यालय माए 77 टावरा रे बिरिच सिर्फ एक ही मास्टर है। जनरे चालता चोखी भड़ाई तो दूर की बात है, अब बल्कि टावरा ने मास्टर जी री आवाज फूकती होवी आ सोचने वाली बात है। ये तो ही नहीं बल्कि आलम तो ओ है कि अठे पीवा रो पानी और बिजली ताए री व्यवस्था नहीं है। स्कूल री सबसू शर्मनाक बात ओ है कि टापरा ने खुद ही स्कूल री सफाई भी करनो पड़े है, खुद ही जूटो बर्तन भी धोनो पड़े है। एडमाए मास्टर सुरेंद्र कहनो है कि वेणसु जितो हो सके है वो कर रहा है। इंडलेर ग्रामीणों ने भी कई बार प्रशासन सु न्याय री गुहार लगाई, पर किन्नी रे कान माथे जू नहीं रेंग री। एडमाए सरकार रा सगड़ा वादा अब टाबरा सारू सिर्फ जुमलो ही साबित होवे है। इन टाबरा और गांव वाला सु बात की नी संवाददाता गजेंद्र सिंह सोहान ने। सरकार एकानी तो शिक्षा न बढ़ावा देने खातिर बड़ा बड़ा दावा करे, लेकिन हकीकत आए कि आज भी शिक्षा का स्तर जो गाँव के अंदर है वो बहुत ही नीचो चले गए है। इस टाइम में खड़ा सरदार शहर छु 33 किलोमीटर दूर गाँव खेजड़ा कमाइंज, खेजड़ा कमाइंज का प्राथमिक स्कूल है, राज के प्राथमिक स्कूल कमाइंज ने 80 टाबरा के ऊपर खाली एक ही अध्यापक है। एक कारण अठा की पढ़ाई है टाबरा की बात सही प्रकाश को नहीं हो पा रही, और स्कूल के मायने दिक्कत और ही बहुत है। जिया के स्कूल के मायने आज तक बिजली का कनेक्शन को नहीं हो, साथ में पानी की भी कोई व्यवस्था को नहीं, तो अब बच्चा की जी पढ़ाई है वह काफी नुकसान हो रहा है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, और बच्चों को कहना हमारे एक अध्यापक के खातर मैं सही ऊपर ढूंढ पाऊँ। अभी मांग है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल के मायने अध्यापक ला गए ताकि मैं अच्छी तरह पढ़ाई उसका। इटा हमारे कुछ स्कूल का बच्चा भी है, कुछ गाँव का जो ग्रामीण भी है। मैं बहुत बात कर भाई थारो के नाम पढ़ा सो। मेरा नाम चंद्र कुला है। कौन सी क्लास में पढ़ो? मैं पांचवी क्लास में पढ़ू। हाँ, कोई समस्या है क्या स्कूल में? हाँ है। क्या समस्या? हमारा अध्यापक जी का माना पढ़ा को इसका ठीक हूँ। कितना अध्यापक है? साइड एक है। और बच्चा? बच्चा 86। और कितना कितनी समस्या है? पहला तो होमवर्क डाले, होमवर्क डाले बाद चेक करे भी ना, ऑफिस को काम करे, ऑफिस को काम करे भी तो टाइम लाग जाए, बाद हमारी पढ़ाई को नहीं हो सके। जब हमारी सरकार मांग है कि हमारे अठे अध्यापक लगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ा सी भी, पढ़ाई काफी नुकसान हो रही है। हाँ हो रही है, तो आपको काफी नुकसान हो रहा है पढ़ाई को, बच्चा को कहना है। कोई गांव का ग्रामीण भी है, आप अम्मा ही बात करना जी, स्कूल में काफी परेशानी हो रही है, तरह के कुछ दिक्कत हो रही है। हमारी दिक्कत आई हो रही है, पांचवी तक स्कूल है तो एक मास्टर है, वो बच्चा ने पढ़ा सी या कागजाऊ काम कर सी, फिर रोटी आज एतबार ने बच्चा ने रोटी मास्टर गाल के देवे, पानी है तो कुंड मु काट गए पानी की बाल्टी वो ही लिया के देवे मास्टर, और वो ही यानी प्यावे जना टाबरन पढ़ा सी वो पानी की रोटी टाबरन खिलावा एक प्रकार उसी पढ़ाई घटो उसी। कोई खास पढ़ाई तो नहीं हो रही? खास पढ़ाई हो रही कौन, मास्टर है एक ही ना हूँ, फिर हमारे बच्चा ने तो प्राइवेट गाल छा ये स्कूल में गाला को गाना, मतलब इन तो प्राइवेट स्कूल चोखी थी, प्राइवेट स्कूल की भी दिक्कत है कि बड़ा मोटी फीस देने पड़ा ने, तो इतना गरीब है गाँव का जो किसान किसान है तो अंग तो कोई फायदा होगा नहीं। और ग्रामीणों की बात करें थारे जिया हके के ना बताओ बारे बे प्राइवेट है क्योंकि गरीब हालत में हमें बड़ा को सका, हमारे पांच दिन तक के स्कूल है सरकारू मैं एक मास्टर है वो क्या कर सके, एक मास्टर की इच्छा है और एक पढ़ा सीखी दो आज तो मार की नहीं थोड़ा फायदा हो जाए बच्चा पढ़ सके। 80-86 बच्चा है, 80-86 बच्चा है काफी जो गांव के स्कूल है स्कूल अगर ढंग अगर मास्टर लागे तो स्कूल में बल हो जाए, स्कूल का जो बच्चा है वहाँ को बल हो जाए। और जो सरकार कहवे कि सर्व शिक्षा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कला अभियान भी सक्सेसफुल हो सके, अगर स्कूल का मायने अगर अध्यापक सही प्रकार को लगा सके। तो सरदार से ऐसी फर्स्ट इंडिया के लिए गजेंद्र सिंह।